मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने जो एक तो हेल्पलाइन नर्सरी एडमिशन्स के लिए और जो वेबसाइट लॉन्च की है, वो वेबसाइट आपको बताती है कि आप अपना एड्रेस डाल दीजिए और एड्रेस डालने के बाद आपको बता देती है कि आपके एरिया में कौन कौन से स्कूल जाते हैं जहां आप एडमिशन करा सकते हैं, और उन सारे स्कूल्स की वो इन्फॉर्मेशन देती है। और अगर आपको किसी स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने में दिक्कत आए तो हर स्कूल के बाहर उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर का नंबर लिख दिया है। अगर एजुकेशन ऑफिसर भी अगर आपकी मदद ना कर पाए तो आप दिल्ली सरकार की इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं, और ये जितनी कंप्लेंट्स आएंगी डेली बेसिस पे उसको एजुकेशन मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे, कुछ लोगों से डेली बात भी करेंगे पता करने के लिए। नहीं, कोई टैंकर माफिया, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नीचे, मैं आम आदमी की तरह रह जाता। जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा, इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है, तो इस देश के आम आदमी, जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। मैं सहमत हूँ आपसे, अभी सरकार बने हुए 10 ही दिन हुए थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, आज कुछ मीडिया में वो उठा है तो मैंने अभी जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया हुआ है और उस पर चर्चा चल रही है उसको। मैं एक बार, हैं जी, पर मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कितनी बार बोल दिया मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। बोलने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। अरविंद जी, जो आपने अप्रैल 2013 में मीटर टेस्ट किया था पानी का, वो मीटर जो है जल बोर्ड वही मीटर इंस्टॉल। मैं सहमत हूँ आपसे, मैंने अभी जवाब दिया उसका कि अभी जल बोर्ड के ऑफिसर्स को मैंने बुलाया हुआ है और उसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो जो जो गलत मीटर उनको विड्रॉ करेंगे। अरविंद जी, जो मीटर लग गया उसको अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं। अरविंद जी, जो वो उनका जवाब दे दूं मैं, पहले उनका जवाब दे देता हूँ, वो उनका प्रश्न अलग है, नहीं दिया मैं। अभी उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो आज बैठ सुबह सुबह मीटिंग हुई है, और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवांस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फ़ोन कर देंगे और उनकी ग्रीवांसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। एक मिनट सर। और उसी तरह से बाई पोस्ट भेज सकेंगे, हम यहाँ पे नीचे हेल्प डेस्क भी बना देंगे। तो अब लोगों को ग्रीवांसेस देने के लिए मेरे में, लेकिन हफ्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे केवल मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से केवल मिलना चाहते हैं, मंत्रियों से केवल। अब लोगों को मेरे पास अपनी ग्रीवांसेस लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हफ्ते में एक दिन मैं 2-3 घंटे के लिए लोगों से केवल मिलने के लिए अवेलेबल रहा करूंगा। उसमें लोगों को अपनी ग्रीवांसेस लेके आने की जरूरत है, ग्रीवांसेस के लिए हम कई सारे एवेन्यूज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि मेरी सिक्योरिटी इस देश के आम आदमी की सिक्योरिटी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। जब तक इस देश के आम आदमी को सिक्योरिटी नहीं है, मुझे भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मेरे को वो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे ना यूपी पुलिस की चाहिए सिक्योरिटी और ना दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी। देखिए, मेरे साथ तो कोई है नहीं, अब अगर उन्होंने बाहर किसी को पोस्ट किया हुआ है, मैंने बार बार बोला है जब मैं दिल्ली में आ जाऊंगा तो मैं